भी नहीं आ रहा है, पूरा रास्ता खाली है, ठीक है ऐसा निकल जाएगा गाड़ी, निकल गया ना। बहुत ही टाइट सिचुएशन हो गया था वहां पे, पूरा गड्ढा वाला रास्ता है पूरा एकदम, गाड़ी चल रहा है पत्थर के ऊपर। स्टीयरिंग जजमेंट मिडिल जजमेंट से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को आंखों से जजमेंट लेना है, ठीक है, देख के जजमेंट करना है कुछ मेजर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, मैंने हल्का सा स्टीयर किया, देखो हल्का सा ब्रेक किया, गाड़ी का स्पीड कम हुआ, क्लच को फुल प्रेस किया, ठीक है, तीन नंबर गियर डाल दिया, अभी भी क्लच मेरा प्रेस्ड है, फुल प्रेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे पिलर है, ठीक है, मैंने स्टीयर किया, इतना दूर हो गया, ठीक है, पुलिस भी नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं है, कोई कुछ नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टीयरिंग को लेके, ठीक है, यानी कि स्टीयरिंग की हेल्प से हम लोग कैसे जजमेंट करते हैं। मगर इससे पहले जो जजमेंट हम लोगों ने किए थे वो था कार की जो मिडिल रेफरेंस को इस्तेमाल करके, यानी कि यहाँ से एक लाइन हम लोग सोचते हैं, ठीक है, यहाँ से मिडिल से कार को डिवाइड करते हैं, इस बोनेट को, यानी कि आपका जो डैशबोर्ड है, इस जो ग्लास है, इस ग्लास को हम लोग डिवाइड करते हैं। मगर इसको अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम लोग स्टीयरिंग की मदद से अगर जजमेंट लेते तो कैसे करेंगे, तो चलो दोस्तों डिस्कशन करते हैं उसको लेके ही। मगर इस वीडियो को देखने से पहले जरूर आप लोग लास्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसको अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो स्टीयरिंग का जो जजमेंट होता है, यानी कि जो कितना रेडियस तक ये टर्न करता है, उसको आप लोगों को समझना है, ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों के पास पावर स्टीयरिंग है, अभी तो सभी गाड़ी पावर स्टीयरिंग के साथ ही आता है, तो चलो शुरुआत करते हैं। मेरा स्टीयरिंग से ना यहां से जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने देखे थे, यहां से एक लाइन हम लोग सोचते हैं, जो लाइन ऐसा करके एंगल करके बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, जो सामने जो राइट का व्हील है उसके सामने से सीधा जाएगा, और जो गाड़ी सामने से आएगा आप लोगों को इंटेंशन नहीं रहेगा, टारगेट रहेगा जो भी गाड़ी है उसको इस लाइन से बाहर रखना है, हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो बोनेट है इसको मिडिल रेफरेंस कर देना है, इस डैशबोर्ड को, यानी कि इस कांच को डिवाइड कर देना है मिडिल से, एक ए वाला हिस्सा और एक ए वाला हिस्सा, जो भी गाड़ी आएगा आपके सामने, नहीं तो जा रहा है गाड़ी, आ रहा है नहीं तो जा रहा है, उस गाड़ी को इस मिडिल रेफरेंस से बाई तरफ रखना है, ठीक है, ये गया। ये हमारा लास्ट वीडियो था, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड जजमेंट यूजिंग मिडिल रेफरेंस, ठीक है, बीच को इस्तेमाल करके हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, गाड़ी को डिवाइड करके जजमेंट लेते हैं। यहाँ पे जानेंगे स्टीयरिंग की मदद से कैसे हम लोग जजमेंट लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आपका जो गाड़ी है दोस्तों, इस स्टीयरिंग के यहां से, ठीक है, एक लाइन को सोचना है, ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा बाहर की तरफ, जो लाइन ये जो मिडिल है ना, इस मिडिल की एकदम नजदीक से नहीं जाएगा, मगर यहां से जाएगा, मिडिल को क्रॉस करके नहीं, थोड़ा सा डायने करके, ठीक है, यहां से जाएगा एक लाइन, और एक लाइन यहां से बाहर जाएगा, यानी कि जैसे हम लोग राइट साइड का जजमेंट लेते हैं, जैसे यहां से एक लाइन सोचते हैं, जो भी गाड़ी आता है उस गाड़ी को हम लोग उसके बाहर रखते हैं, तो यहां पे क्या करना है, स्टीयरिंग जजमेंट जब भी करेंगे कुछ उसी तरह राइट साइड की तरह लेफ्ट साइड को भी देखना है, मगर हमेशा सोचना है सीधा नहीं, ठीक है, ऐसा इस स्टीयरिंग का यहां से ऐसा लाइन को सोचना है, जो लाइन आपका जो सामने जो बोनेट है ना, उस बोनेट को क्रॉस करके बाहर जाएगा, और जो भी गाड़ी आएगा इस ऐसा जाएगा रे, ठीक है, ऐसा रे सोचना है, जो भी गाड़ी आएगा उसके अंदर से बाहर रखना है, उसको डायने वाला उससे बाहर रखना है, और बाय वाला उससे भी बाहर रखना है। तो यहाँ पे चलो हम लोग प्रैक्टिकल को देखते करके, देखो अभी मेरा सामने जो भी गाड़ी जा रहा है दोस्तों, उसको जज करने से पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए आपका गाड़ी का व्हील कहां से गुजर रहा है। तो हम लोग जैसे ही देखते हैं हमारा जो भी लेफ्ट व्हील कहां से गुजर रहा है, उसका मेजरमेंट कैसे लेना है दोस्तों, आप लोगों को गाड़ी से बाहर जाना है, ठीक है, आपका जो गाड़ी का मिडिल है, गाड़ी का, ठीक है, उस मिडिल से गाड़ी का लेफ्ट व्हील कितना डिस्टेंस पे, यानी कि यहां से लेके यहां का डिस्टेंस हो सकता है 2 फीट, हो सकता है 3 फीट, उसको एक बार देख लेना है। अगर मैं यहां से गुजरता हूं तो यहां पे मेरा गाड़ी जो है मिडिल से है, ठीक है, देखो रास्ता का जो एंड है ना, व्हाइट वाला जो सफेद लाइन है वहां पे है, तो यहां पे ऐसा लग रहा है ना मेरा गाड़ी का जो मिडिल है एग्जैक्टली उसके ऊपर से जा रहा है, मगर बिल्कुल वैसा नहीं है, मेरा गाड़ी का लेफ्ट व्हील वहां से जा रहा है, लेकिन जहां से लगेगा आपको मिडिल जा रहा है वहां से मिडिल जाता नहीं है, वहां से आपका लेफ्ट व्हील जाता है, ठीक है। तो ये जजमेंट आप लोगों को आना चाहिए कहां से मेरा गाड़ी का लेफ्ट व्हील जा रहा है, तभी आप लोगों को जजमेंट आसानी से आ जाएगा। चलो सामने जाते हैं और एग्जांपल को देखते हैं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे गाड़ी का जो सामने है, जो मेरा जैसा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को कुछ उसी तरह देखना है, यानी कि यहां से एक लाइन सोचना है ऐसा, यहां से एक लाइन सोचना है। अभी देखो सामने जो भी गाड़ी आ रहा है, यानी कि गाड़ी है जो भी है, बाइक साइकिल वगैरह जो भी है, जो आ रहा है आप लोगों को यही टारगेट रहेगा, जैसा लाइन ऐसा जा रहा है उस लाइन से आप लोगों को गाड़ी को बचाना है, और स्टीयरिंग अगर ऐसा आ रहा है गाड़ी तो उसको आप लोगों को बाई तरफ स्टीयर करना है, अगर यहां से आ रहा है गाड़ी आप लोग इसको दाहिने तरफ स्टीयर करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे गाड़ी आ रहा है, मैं यहाँ पे स्टीयर कर दिया, ठीक है, यानी कि यहां से ज्यादा नहीं सोचना, यहां से ऐसा सोचना है, ठीक है, यानी कि पूरा स्टीयरिंग को घिस के सीधा नहीं जाएगा, हल्का सा जाएगा, ठीक है, एंगल करके ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है, इसको आप लोगों को सोचना है। ये गया स्टीयरिंग जजमेंट, और ये स्टीयरिंग जजमेंट
सिर्फ उसी लोगों को करना है जिसको लगभग 2 महीना ड्राइविंग हो चुका है, नहीं तो स्टीयरिंग जजमेंट बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोगों को मिडिल डिफरेंस का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, और इसके अंदर ऐसा भी रहेगा कितना मैं स्टीयरिंग को घुमा रहा हूं, गाड़ी कितना टर्न कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखो अगर जो हम लोगों को पता कैसे चलेगा मेरा गाड़ी सीधा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मेरा स्टीयरिंग है, मेरे को अभी पता नहीं है मेरा जो व्हील है वो किस दिशा पे है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर था, गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी को मैंने कर दिया स्टार्ट, अभी क्या करना है, ये जो स्टीयरिंग है ना इसको पूरा राइट की दिशा पे, नहीं तो पूरा लेफ्ट की दिशा पे पूरा लेके जाना है। देखो मैं यहाँ पे पूरा लेफ्ट टर्न कर दिया, ठीक है, फुल लेफ्ट, अभी नहीं जा रहा है स्टीयरिंग, नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होने पे क्या होगा, ये जो है ना पहला टर्न, यहाँ पे दूसरा टर्न, ठीक है। ये जब भी आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि दूसरा बार मेरा जो व्हील है सीधा हो चुका है, ऐसा करके पता करना है सामने वाला जो व्हील है सीधा या नहीं। अगर ये आप लोगों को कठिन लगता है, इससे भी आसान है, गाड़ी देखो इसको मैं घुमा देता हूँ कोई भी दिशा पे, ठीक है। मेरे को पता नहीं अभी मेरा व्हील कहाँ पे है, सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट देना है, देख लेना है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट दिया, क्लच को रिलीज किया, गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक है। तो गाड़ी को इधर जा रहा है, फिर मेरे को इसको सीधा कर देना है। तो ऐसा करके आप लोगों को जो स्टीयरिंग है उसको सीधा कर देना है, यानी कि व्हील को सीधा कर देना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे और देखेंगे एग्जांपल्स को, चलो देखते हैं। और आप लोगों को देखना भी है ये जो स्टीयरिंग में कितना घुमा रहा हूं, उसके साथ मेरा गाड़ी का जो पिलर है ना, ए वाला जो राइट पिलर, ए पिलर, ए पिलर का लेफ्ट पिलर, ये कितना मूवमेंट कर रहा है रास्ते के हिसाब से। देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, अभी मेरा जो व्हील है ना वो एकदम सीधा है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर रहा हूं, देखो इसको मैं ऐसा घुमा रहा हूं, गाड़ी इसका टर्न इधर पे हो रहा है, देखा। तो अभी थोड़ा सा किया मैंने, अभी मैं थोड़ा सा इधर किया, इधर हो गया, फिर से सीधा हो गया, ठीक है। तो इसको जजमेंट लेना है आप लोगों को, ठीक है। देखो थोड़ा सा, तो मैं जस्ट टच कर रहा हूं, देखो ऐसा हो रहा है, गाड़ी इधर पे जा रहा है, फिर से सीधा हो गया, ठीक है, ऐसा। चलो सामने जाते हैं। स्टीयरिंग का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए जजमेंट देने से पहले, अगर आप लोग स्टीयरिंग को इस्तेमाल करके जजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक लाइन सोच रहा हूँ, जैसा कि राइट साइड सोचते हैं हम लोग, ठीक है, वहां से जो भी गाड़ी आ रहा है ना उस लाइन से बाहर है, ठीक है। देखो अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है, जो भी गाड़ी आ रहा है अगर उस लाइन से गाड़ी उसके अंदर है तो इसको घुमा दो बाई तरफ, ठीक है। देखो ऐसा, यहाँ पे देखो मैं कितना स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को सीधा जाना है, रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे, ठीक है। दे दिया मैंने दाहिने का इंडिकेटर, यहाँ पे ना रोक देना है, ठीक है, गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिशा पे गाड़ी आ रहा है अप एंड डाउन। तो यहाँ पे मेरे को 2 नंबर गियर डाला मैंने, ठीक है, चलो गाड़ी को चला दिया, ओआरवीएम देखा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फॉलो करो, देखो जो भी गाड़ी आ रहा है मेरे सामने वो कहां से आ रहा है और कितना दूर पे है। देखो वो जो सामने लॉरी आ रहा है, ठीक है, वो कहां पे है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन सोचता हूँ उस लाइन से थोड़ा सा अंदर जैसा लग रहा है ना, देखो वो वहां पे टर्न ले लिया, उसने जो सामने जो व्हील है ना वो घुमा लिया, इसलिए मेरे को घुमाना नहीं पड़ा, उसने कर दिया काम। आप लोगों को सिर्फ देखना है पिलर को, इसको, इसको और मिडिल को भी, ठीक है। देखो यहाँ पे रास्ता ऐसा है, मैं इतना घुमाया, ठीक है, देखो हल्का सा टर्न, इतना सा खत्म, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ना समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखो मेरे को उधर पे जाना है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, पीछे देख के करना है, ठीक है। और हाई रोड पे ऐसा चौड़ा हाई रोड पे अगर आप लोगों को चेंज करना है लेन को, जरूर इंडिकेटर देके करना है। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखो ऐसा टिल्ट किया, इधर पे आ गया, ठीक है, ऐसा जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इधर किया, इधर आ गया, मतलब इसको स्टीयरिंग को मैं टच कर रहा हूं ना, गाड़ी मुड़ रहा है, ठीक है, ऐसा। फुल क्लच प्रेस, क्योंकि यहां पे गड्ढा वाला रास्ता है सामने, ठीक है। 3 नंबर मैंने डाउनशिफ्ट किया, ठीक है। अभी देखो ऐसे जा रहा हूं, गियर अप, अपशिफ्ट किया मैंने, देखो यहां पे गाड़ी आ रहा है ऐसा इतना दूर तक, ठीक है। स्टीयरिंग जजमेंट मिडिल जजमेंट से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को आंखों से जजमेंट लेना है, ठीक है, देख के जजमेंट करना है, कुछ मेजरमेंट से नहीं। मिडिल जजमेंट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है।
अभी देखो मेरे को उस रास्ते से जाना है, मेरा स्टीयरिंग अभी ऐसा है, सीधा है, ठीक है, इतना इतना टर्न किया मैंने, गाड़ी पूरा मुंह पूरा घूम गया ऐसा, तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा ही कठिन नहीं है, ठीक है। चलो मेरे को अभी सीधा जाना है, देखते रहो वीडियो को, ठीक है। देखो ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग स्पीलर को फॉलो करो, देखो यहाँ पे गाड़ी आ रहा है, मैंने घुमा दिया गाड़ी को, थोड़ा सा भी टिल्ट किया काम हो गया, ज्यादा टिल्ट नहीं करना है, ठीक है, मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं, अभी आप लोग फॉलो करो रास्ते को, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कितना हद तक आप लोगों को स्टीयरिंग को रोटेट करना है, ठीक है, धीरे धीरे देखो, मैं एकदम धीरे धीरे स्लोली जा रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो सामने गाड़ी जा रहा है, देखो मेरे बाई तरफ है, ठीक है, अभी गौर करो, देखो यहाँ पे वो, यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्टीयरिंग को हल्का सा रोटेट किया, जैसा वो जा रहा है, जैसे रास्ता जा रहा है, आप लोगों को गैप को देखना है, कितना गैप है, ठीक है, चार नंबर गियर, ठीक है, अभी समझ लो मेरे को उधर पे जाना है, पीछे देखना है, ठीक है, स्टीयरिंग को हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, देखो आ गया इधर, ठीक है, थोड़ा सा भी टच कर रहा हूं स्टीयरिंग काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे हॉर्न देना है क्योंकि पब्लिक प्लेस है, ठीक है, देखो रास्ते के हिसाब से मैं इधर उधर करके आ गया, एकदम आसान रास्ता है, ठीक है, चलो सामने जाते हैं। अभी देखो मेरे जो स्टीयरिंग है ना, फुल स्ट्रेट है, ठीक है, इट्स फुल स्ट्रेट, इधर उधर बिल्कुल नहीं हो रहा है, अभी मेरे को गाड़ी को इधर से घुमाना है, ठीक है, ये जो टर्न है ना, यहाँ पे मेरे को गाड़ी को घुमा देना है, मेरे को हॉर्न दे रहा है, ठीक है, मैंने साइड दे दिया उसको, रेस नहीं लगाना है, तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी को घुमाना है, हल्का सा ब्रेक, गाड़ी काफी जोर से जा रहा था, हल्का सा ब्रेक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मेरे को गाड़ी को मैं घुमा लूंगा, ठीक है, देखते रहो, अभी पीछे जरूर देखना है, ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है, गाड़ी पूरा रुक सा गया था, दो नंबर गियर कर दिया मैंने, अभी पीछे देख के गाड़ी को घुमा लेना मेरे को, ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, पूरा रास्ता खाली है, ठीक है, ऐसा, तीन नंबर गियर, ओके, ऐसा। अभी आप लोगों को हमेशा गाड़ी को ना सीधा रखना है, आप लोगों को टारगेट रखना है, ये मेरा गाड़ी हमेशा सीधा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, जब भी कोई भी गाड़ी आएगा आप लोगों को तभी गाड़ी को स्टीयर करके उससे दूर रहना है। जैसा देखो अभी ऐसा गाड़ी आ रहा है, ठीक है, मेरे से काफी दूर है, कोई दरकार भी नहीं है अभी मेरे को इधर करना, ठीक है, चलो देखते रहो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। देखो सामने जो जैसा ऑब्स्ट्रक्शन है ना, एक पिलर जैसा लोहे का, ठीक है, मैंने हल्का हल्का ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि इधर पे जिगजैग है, ठीक है, हल्का सा, देखो हल्का सा ब्रेक किया, गाड़ी का स्पीड कम हुआ, क्लच को फुल प्रेस किया, ठीक है, तीन नंबर गियर डाल दिया, अभी भी क्लच मेरा प्रेस्ड है, फुल प्रेस्ड है, ठीक है, रिलीज कर रहा हूँ क्लच को धीरे धीरे, ऐसा देखो, अब इस पिलर को देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे पिलर है, ठीक है, मैंने स्टीयर किया, इतना दूर हो गया, ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे देखो सामने जो इधर पे रोड का जो डिवाइडर है, ऐसा लग रहा है ना मेरा जो गाड़ी का मिडिल है उसके साथ साथ जा रहा है, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा लग रहा है देखने में उसका मतलब यही है मेरा लेफ्ट व्हील वहां पे है, ये वाला नहीं है, वो उससे दूर है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग गाड़ी का जो भी चीजें आ रहा है लेफ्ट की दिशा पे, यानी कि इसके सामने से, हम लोग ड्राइवर के सीट पे बैठ के हम लोग उसको देखते हैं, नजदीक है, ज्यादा नजदीक है, मगर अगर कोई यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, वो लोग उसको दूर देखेगा, उसके ऊपर भी वीडियो है, जरूर मेरे लास्ट वीडियो को चेक कीजिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने हल्का सा स्टीयर किया, चला गया उधर, बस यही है, एकदम सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अभी मेरे को जाना है डायने दिशा पे, ओके, देखते रहो, मैंने इंडिकेटर दिया डायने का, ओके, यहां से हल्का हल्का ब्रेक कर देना है, हल्का हल्का, जस्ट टच, ओके, ज्यादा नहीं, काफी है, ऐसा, ठीक है। अभी देखो यहां पे ऑटो है ना, तो अगर मैं स्टीयरिंग का जजमेंट करता हूँ, यहां से एक अंदाज लगाना है और कुछ नहीं, स्टीयरिंग जजमेंट और कुछ नहीं, सिर्फ अंदाज होता है। मेरे को जाना है डायने दिशा पे, मेरे को देखना है,
मेरे को यहाँ पे रोक जाना है क्योंकि चारों दिशा पे गाड़ी आ रहा है जा रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को जाना है दाहिने तरफ, कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं है, कोई कुछ नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बच के जाना है यहाँ पे। यहाँ पे जा सकता हूँ क्या? निकल जाएगा गाड़ी, निकल गया ना? हाँ निकल गया। बहुत ही टाइट सिचुएशन हो गया था, पूरा टाइट बोले तो फुल टाइट। देखा, देखो अभी देखो, हल्का हल्का वहां पे पूरा गड्ढा वाला रास्ता है, पूरा एकदम गाड़ी चल रहा है पत्थर के ऊपर से, बाय वाला व्हील देखो, और उधर पे ना बाई तरफ ड्रेन तो नहीं है मगर हाँ रास्ता बहुत ही खराब है। देखो धीरे धीरे हॉर्न दे रहा हूं कि बाई तरफ एक अंकल जी जा रहा है। चलो हो गया, निकल गया गाड़ी। तो यहाँ पे देखो कैसे मैंने इस वीडियो को ना, आप लोग जरूर बैक करके देखो, प्ले करो, ठीक है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ये सब सिचुएशन में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ड्राइव करना है और देख के जाना है। ओके अभी सामने देखो, अब जितनी भी गाड़ी आ रहा है ना वहां पे नजर रखो, ठीक है। देखो दाहिने तरफ से एक गाड़ी आ रहा है, ठीक है, मैं पीछे देखा, ठीक है, उसका साइड दिया क्या, वो मेरे से दूर गया क्या, पीछे वाला जो बंदा है बाइक पे आ रहा है वहां पे, उसके ऊपर मैं बाई तरफ घिसा, ठीक है। अभी देखो और एक नया वाला ब्रिज है मेरे सामने, यहाँ पे देखो कहाँ पे गाड़ी को रोक दिया, छोटा सा नैरो वाला गली है जैसा रास्ता है, गाड़ी को बीच सड़क में रोक दिया। देखो देखते रहो, अभी आप लोग स्टीयरिंग का जो भी मैं इसको घुमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इसको देखा करो, मैं कितना स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। देखो रास्ता हल्का सा टर्न है तो मेरे को हल्का सा स्टीयर को ऐसा हल्का इतना, ठीक है, थोड़ा सा, यहाँ पे और एक गाड़ी आ रहा है, ठीक है, हल्का सा मेरे को बाय जाना है, ठीक है, हल्का ऐसा ऐसा ही। तो स्टीयरिंग जजमेंट सिर्फ अंदाज है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, इसके अंदर कोई भी टेक्निकलिटीज नहीं है, हाँ आप लोग को ऐसा करना है, इतना फुट लेना है, वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ मिडिल जजमेंट इस्तेमाल करना है जब भी आप लोग गाड़ी का जजमेंट करेंगे, अगर आप लोग एकदम नए नए गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। देखो देखो गाड़ी, जो गाड़ी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरा डायने वाला हिस्से पे है, उसको मेरे को साइड देके उधर पे लेके आना है तभी मैं जा सकता हूँ, साइड दे दिया मेरे को, ठीक है, सांचे की तरह जा रहा था, रास्ते के बीच में से जा रहा था। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे एक डॉगी आ गया था मेरे व्हील के सामने, एकदम बच गया वो, मचा लिया उसको। तो अचानक ब्रेकिंग नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रेकिंग करना है, पीछे देख के करना है, ठीक है, चार नंबर गियर, ठीक है, गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया था, अगर यहाँ पे गाड़ी रुक जाता मेरे को इसको तीन नंबर गियर करना पड़ता। देखो बस ऐसे ड्राइव करना है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को मैं कुछ आइडिया दे पाया, अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जरूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।